बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप पूरा दिन मोबाइल में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, पूरा ही दिन कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मोबाइल में ऐप यूज़ कर लेते हैं या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि मोबाइल से भी इनकम कमाई जा सकती है? बिल्कुल लीगल वेज आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा, 7 ऐसे तरीके कि जिससे आप मोबाइल पे थोड़ा सा टाइम अगर आप स्पेंड करके मोबाइल में स्पेंड करते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको आज 7 वेज डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वेज के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूंगा जो फ्यूचर में आप लोगों का टाइम और आप लोगों की एफर्ट्स सेव कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की हेल्प करना है, और आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम बहुत सारी ऐसी मजीद वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर आऊँगा ताकि आपसे कोई मिस ना हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आप लोगों को जो अर्निंग कमा सकते हैं आप लोग, वो ट्विटर से कमा सकते हैं। यस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी हाई रखना चाहते हैं, तो उन लोगों को अपने फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज करने पड़ते हैं, तो वो ये सर्विसेज वगैरह आउटसोर्स करते हैं, वो सर्विसेज वगैरह परचेज करते हैं। आप क्या करें, आप ट्विटर के फॉलोअर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्विटर के फॉलोअर्स इंक्रीज कैसे होते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक टेक्निक शेयर कर देता हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। आप लोग ये देखें, ट्विटर में जो सबसे हाईएस्ट टॉप जो पोस्ट आ रही होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स, लाइक्स और सबसे ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, आप जब भी ट्विटर के ट्विटर ओपन करेंगे, टॉप ट्रेंडिंग में जाके आप उसको रिसेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिसेंटली जो भी लोग प्रेजेंस हैं, जो भी लोग टॉप यानी कि रीट्वीट्स और लाइक्स कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाएं, उनको लाइक करें, पोस्ट को रीट्वीट करें, उनको फॉलो करें, वो आपको फॉलो करेंगे, और यही टेक्निक बाकी लोग भी यूज़ करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं, आप खुद भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ताकि किसी के प्रोडक्ट का ऐड चला सकते हैं और वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। नंबर सेकेंड पर आ जाता है फेसबुक। फेसबुक पर आप पेज क्रिएट कीजिए, ग्रुप क्रिएट कीजिए, और उस पर डेली बेसिस पे थोड़ी सी वर्किंग कीजिए कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ताकि लोग उसको ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें। जब आपकी ऑडियंस रीच बढ़ जाएगी, तो आपके जब ऑडियंस, फॉर एग्जांपल, इट्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट के कितने होते हैं, तो जब आपकी ऑडियंस बढ़ेंगे तो लोग आपको पे करेंगे कि आप अपने हमारा जो ऐड है प्रोडक्ट का, ये सर्विसेज का, अपने पेज या ग्रुप पे लगा दें और हमारे से ये इनकम चार्ज कर लें। एक दिन का, दो दिन के लिए ऐड लगाते हैं, महीने के लिए लगाते हैं, इट्स अपॉन यू कि आपकी क्या म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। उसके बाद आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन में बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं, आप वहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ से लीड्स एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे की। जो भी बिजनेस लीड, एक बंदा बिजनेस कुछ कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एक बंदा कुछ कर रहा है, तो आप इधर से लीड्स उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, उनकी इनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और उनकी लीड्स खुद परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से परचेजिंग सेलिंग लीड्स पर करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि ये एक पाइपलाइन होती है, हर बिजनेस के लिए बहुत नीड होती है, बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि उससे बिजनेस जनरेट किया जाता है, इसीलिए लीड्स को वो अपने पाइपलाइन पे फुल रखते हैं, तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप देख लें कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं वो इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट शेयर करें, पिक्चर शेयर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉलो करेंगे। वही तरीका जो मैंने ट्विटर पे बताया, आप इसके भी फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जब ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आप उससे भी ऐड लगा के अपनी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद याद आ जाता है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे मैं आप कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस ला सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप ऐसा कॉन्टेंट बनाएं, जब लोग आपके कंटेंट को व्यू करेंगे, आपको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो आपकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी, लोग आपको एडवर्टाइजमेंट भी देते जाएंगे, प्लीज़ हमारा ऐड लगा दें अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। ये भी बड़ा बेस्ट वे है कि इससे पब्लिशर्स, बहुत सारे ऐसे पब्लिशर के थ्रू अर्निंग की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया की साइट्स 250+ हैं। ये मैंने आपको ट्विटर, पिंट्रेस्ट, 2-4 साइट्स डिस्कस की हैं, 250+ साइट्स हैं। आप क्या करें, अपने जो
बाकी आप लोगों ने अर्निंग के सोर्स किए हैं, आप उसके लिंक्स वगैरह 250 साइट्स पे पोस्ट करते रहे, जब वहाँ से रीडायरेक्ट होकर ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगी, आपकी अथॉरिटी रैंक बढ़ेंगे, मतलब अगर आपका लिंक उस पे आप पोस्ट करते हैं 250+ साइट्स पे जहाँ पे बहुत बड़ी एक सोशल ऑडियंस है, जब आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली लिंक जूस क्रिएट होगा, आप पे ऑटोमेटिकली अल्गोरिथम जो गूगल का है, अल्गोरिथम सोशल मीडिया का है, वो समझेगा कि आपका आपकी डिमांड, आपकी साइट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो उस वाले से आपकी साइट्स को ऊपर लेकर आएगा, तो इसी वाले से लोगों की नज़रों के सामने आएगी और लोग वैसे भी लाइक सब्सक्राइब और जो भी आपको ऑडियंस चाहिए आप कर सकते हैं इसी तरीके से लिंक क्रिएट करके। आप किसी को वेबसाइट पे ट्रैफिक भी ला के दे सकते हैं इसी 250 साइट्स पे लिंक डालकर कि लोग वहाँ से रिडायरेक्ट होकर आएंगे, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कमा सकते हैं। नंबर लास्ट पे आ जाता है और ये बहुत इफेक्टिव है, इसको गौर से समझिएगा, और ये नंबर 7 पे है और मैं खुद इस चीज़ की ट्रेनिंग्स भी देता हूँ और मैंने इस चीज़ को समझा और मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें कॉमेंट ज़रूर करें, आप लोग उससे अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 7 पे है जनरल ऑर्डर सप्लाईज एंड सर्विसेज का। आप देखें ग्रुप्स ज्वाइन करें बाय एंड सेलिंग का, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें और उसको विजिट किया करें। बहुत सारे लोगों ने अपनी डिमांड लिखी होती है, बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाएं अपने पास होल्ड करते हैं या डायरेक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे भेजते हैं, लोगों को इंटरलिंक करें, किसी की नीड है किसी के पास प्रोडक्ट है आप उनको इंटरलिंक करके उनको प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 तरीके थे आप मोबाइल को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी आप ला सकते हैं अपनी लाइफ में, आप इसको पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को और आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके कमेंट्स कर दीजिए हमें, अगर पसंद नहीं आई डिसलाइक करके कमेंट्स कर दीजिए हमारी इंप्रूवमेंट के लिए। आप लोगों से अगेन जाते हुए रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।